हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक. माय नेम इज एकता एंड इफ यू आर न्यू हियर देन वेलकम टू माय चैनल. सो गाइस, आज का जो वीडियो है वो है क्लास 3 या डे 3 ऑफ आर प्रोफेशनल मेकअप कोर्स. और आज की क्लास में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कलर थ्योरी और कलर व्हील, व्हिच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ मेकअप क्लास. अगर आप मेकअप सीख रहे हो या आप मेकअप में इंटरेस्टेड हो या आप मेकअप को समझना चाहते हो अच्छे से और अच्छा मेकअप करना चाहते हो तो कलर थ्योरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कलर व्हील को समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो बहुत सारे लोगों को पता होगा कलर थ्योरी क्या होती है या कलर व्हील क्या होता है. आज की क्लास में मैं आपको डीपली समझाऊंगी व्हाट इज कलर थ्योरी, कलर थ्योरी क्या होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, कैसे हम बनाते हैं कलर व्हील एंड एवरीथिंग. बट बिफोर लर्निंग दिस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं. लाइक मेकअप में कलर थ्योरी को पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है. सो इट इज़ वेरी बेसिक कि अगर हम मेकअप कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है हमें कलर्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए. तो कलर थ्योरी जब आप पढ़ लोगे तो आपको अलग अलग कॉम्बिनेशंस पता चल जाएंगी, हर चीज़ के पीछे का एक रीज़न पता चल जाएगा. इसके अलावा अगर हम बेसिकली बात करें, अगर आप कलर थ्योरी समझ जाते हो तो सबसे पहले आप अपना मेकअप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग कर पाओगे. आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप चाहें किसी भी कलर की ड्रेस पहनो, आपको पता होगा कि आपको कौन से कलर्स चूज़ करने हैं. आप उल्टे सीधे कलर्स नहीं चूज़ करोगे अपना मेकअप करने के लिए, ठीक है. कलर कॉम्बिनेशंस आपके अच्छे होंगे, आपका जो मेकअप होगा वो सटल होगा और आपके ड्रेस के अकॉर्डिंग होगा. उसके अलावा अगर हम कलर व्हील को समझ जाते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि किस स्किन कलर पे कौन से कलर्स अच्छे लगेंगे. जैसे कि फेयर, मीडियम और डार्क अलग अलग स्किन शेड्स होते हैं, तो किसके ऊपर कौन सा कलर अच्छा लगेगा, किसके ऊपर कौन सा कलर नहीं अच्छा लगेगा, ये सारी चीज़ें हम समझ जाते हैं. कलर थ्योरी से हमें अंडरटोन्स के बारे में पता चलता है, स्किन टोन्स के बारे में पता चलता है, जिससे कि हम अपना फाउंडेशन शेड अच्छे से चूज़ कर सकते हैं. अगर हमें कलर थ्योरी नहीं पता होगी तो हम फाउंडेशन अपना सही नहीं चूज़ कर पाएंगे, फाउंडेशन कलर ही हमारा गलत हो जाएगा, शेड गलत हो जाएगा. थ्योरी इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है. ऑल्सो कलर थ्योरी जो होती है वो बहुत बेनिफिशियल है, उसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस भी होते हैं जो कि हमारी हेल्प करते हैं. कलर थ्योरी से हम कलर करेक्शन कर सकते हैं, जैसे कि हमारे फेस पे जो भी डार्क स्पॉट्स होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, कहीं पे फेस पे रेडिश स्पॉट होते हैं, कहीं पे फेस पे डार्क स्पॉट्स होते हैं, ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, सारी चीज़ों को छुपाने का जो काम है वो हमें कलर थ्योरी से ही मिलता है. तो कलर थ्योरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये आप ज़रूर अच्छे से देखना, अच्छे से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आएगा. तो स्पेशली मैंने इस वीडियो के लिए कलर्स भी खरीदे हैं जिसको यूज़ करके मैं आपको बताऊंगी और समझाऊंगी कलर व्हील होता क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं एंड उसे हमें कैसे यूज़ करना है हमारे मेकअप में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. बट बिफोर दैट, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इस क्लास का हिस्सा बनिए एंड लेट्स लर्न टुगेदर एंड ग्रो टुगेदर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So basically the first thing that we need to learn to know color theory is a color wheel. So colors जो होते हैं वो एक proper तरीके से placed होते हैं एक wheel में या एक circle के form में. जो भी colors होते हैं वो एक के बाद एक आते हैं, किसी भी color का position आप change नहीं कर सकते. But ये color wheel बनता कैसे है ये मैं आपको अभी दिखाती हूँ, ठीक है. तो color wheel बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है. सो मेरे पास यहाँ पे एक वाइट शीट है, इस पर मैं आपको बना के दिखाऊँगी कलर व्हील बनता कैसे है, कलर व्हील क्या होता है, ओके. सो बेसिकली जो कलर व्हील होता है वो इन तीन कलर्स से स्टार्ट होता है, रेड, ब्लू और येलो, ठीक है. ये हमारे तीन कलर्स होते हैं जिनसे कि हमारा कलर व्हील जो है वो बनना स्टार्ट होता है. आपको याद करना पड़ेगा बिकॉज ये कलर्स जो हैं ये फिक्स्ड हैं. तो सो रेड, ब्लू और येलो जो होते हैं वो हमारे प्राइमरी कलर्स होते हैं, ठीक है. प्राइमरी यानी कि बेसिक कलर्स होते हैं और इन्हीं रेड, ब्लू, येलो से हम सारे कलर्स बना सकते हैं. आपके पास अगर सिर्फ रेड, ब्लू और येलो कलर है तो आप कोई सा भी आई शेडो कलर बना सकते हो, आप कोई सा भी फाउंडेशन कलर बना सकते हो. रेड, ब्लू और येलो जो होते हैं वो हमारे प्राइमरी कलर्स होते हैं जहाँ से हमारा कलर व्हील बनना स्टार्ट होता है. सो अगर इन्हीं कलर्स को हम मिक्स करना स्टार्ट करते हैं तो इनके साथ हमारे पास और भी कुछ न्यू कलर्स आ जाते हैं. सो जैसे कि अगर हम रेड और येलो को मिक्स करते हैं तो यूजुअल सी बात है कि जो कलर हमारे पास बनेगा वो ऑरेंज बनेगा. सो लेट्स जस्ट मेक इट हेयर एंड सी. तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा येलो लिया और इसमें मैं थोड़ा सा रेड मिक्स करूँगी तो ये हमारा ऑरेंज कलर बन गया. वेरी इजी, ऑब्वियस बात है जब हम रेड और येलो को मिक्स करेंगे तो हमारा ऑरेंज कलर बनता है, ठीक है. इसी तरीके से हम जैसे बाकी सारे कलर्स को मिक्स करते हैं, अगर हम रेड और ब्लू को मिक्स करते हैं, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रेड लिया और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ब्लू लिया और दोनों को जब हम मिक्स करेंगे तो हमारे पास एक न्यू कलर बन जाता है जो कि एक पर्पल या वॉयलेट कलर है, ठीक है. और इसी तरीके से जब हम ब्लू और येलो को मिक्स करेंगे, यहाँ पे मैंने येलो लिया और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ब्लू लिया तो यहाँ पे हमारा ग्रीन कलर बन गया, ओके.
सो कलर्स जो होते हैं हमारे ऐसे ही प्लेस्ड होते हैं, सबसे पहले रेड, रेड के बाद ऑरेंज, देन येलो, देन ग्रीन, देन ब्लू, देन वॉयलेट, देन अगेन रेड. ठीक है, इसी सर्कल में जो कलर्स हैं हमारे रिपीट होते रहते हैं बिकॉज दो कलर्स को हमने मिक्स किया और उसका कलर हमने बीच में यहाँ पे प्लेस कर दिया. इन दोनों कलर्स को मिक्स किया तो ये यहाँ पे इसके बीच में होगा और इन दोनों को मिक्स किया तो ये यहाँ पे इसके बीच में होगा. ठीक है, तो अगर आपके पास रेड, ब्लू और येलो, यानी कि अगर आपके पास प्राइमरी कलर्स हैं, तीन कलर्स हैं, तो उनसे आप छः कलर्स बना सकते हो. ठीक है, तो ये जो न्यू कलर्स बने हैं, ये ऑरेंज, ये वॉयलेट और ये ग्रीन, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कलर्स. ठीक है, तो हमारे पास प्राइमरी कलर्स हैं, सेकेंडरी कलर्स हैं और ये एक सर्कल में प्लेस्ड हैं. इसी तरीके से हम इन दोनों को मिक्स करके एक नया कलर यहाँ पर बना सकते हैं, इन दोनों को मिक्स करके नया कलर यहाँ पे बना सकते हैं और इसी तरीके से हम छः और कलर्स बना सकते हैं. सो इस कलर व्हील में जब हम छः और कलर्स बना लेंगे तो टोटल हमारे 6 ही ऑलरेडी हैं और 6 और ऐड हो जाएंगे जो कि हमारे 12 कलर्स हो जाएंगे और वो 12 कलर्स जब एक सर्कल में प्लेस्ड होंगे तो वो हमारा कलर व्हील होता है. ठीक है, तो ये हमारा कलर व्हील है जो कि अच्छे से रेडी है. आप कहीं पर भी सर्च कर सकते हो, गूगल पर भी आप सर्च कर सकते हो कलर व्हील, तो आपको इसी टाइप से एक व्हील बन के आएगा जिसमें सारे कलर्स जो हैं वो एक के बाद एक प्लेस्ड होंगे और जो कलर व्हील होता है हमेशा कांस्टेंट होता है, उसे कलर्स इधर उधर नहीं होते हैं, तो यूनिवर्सल कलर व्हील होता है जिससे कि आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. सो प्राइमरी कलर्स हमारे रेड, ब्लू, येलो होते हैं जो कि मेन कलर्स होते हैं. जब दो प्राइमरी कलर्स को हम मिक्स करते हैं तो ऑरेंज, वॉयलेट और ग्रीन बनता है जो कि हमारे सेकेंडरी कलर्स होते हैं, और एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी को जब हम मिक्स करते हैं तो हमारा एक और कलर बनता है जिसको कि हम टर्शरी कलर्स बोलते हैं. प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कलर्स एक साथ सर्कल में प्लेस्ड होते हैं तो वो सर्कल जो होता है 12 कलर्स का, उसको हम कलर व्हील बोलते हैं. सो आप चाहो तो अपना खुद का कलर व्हील भी बना सकते हो इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बनाना बताया है. एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे वो पिक्चर सेंड कर सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली टैग करूंगी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में. आपको मेरा इंस्टाग्राम हैंडल नीचे से मिल जाएगा. चाहो तो मुझे मेल कर सकते हो वो पिक्चर्स, जो कलर थ्योरी वाले पिक्चर्स आप बनाते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो. नेक्स्ट थिंग जो आती है कलर व्हील में, अब कलर व्हील तो हमने बना लिया, इसका यूज़ क्या है, इसको हम यूज़ कैसे करेंगे. तो जो चीज़ आती है कलर व्हील बनाने के बाद, इस कलर व्हील को हम डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट्स में. ठीक है, जो रेड और ग्रीन है, रेड और ग्रीन हमेशा कलर व्हील में एक दूसरे के आमने सामने ही आएंगे. आप कोई सा भी कलर व्हील देख लो, रेड और ग्रीन हमेशा आमने सामने आएंगे. तो रेड और ग्रीन से हम स्ट्रेट लाइन खींच के कलर व्हील को डिवाइड कर देंगे दो पार्ट्स में. ठीक है, अब जो एक पार्ट है जिसमें ऑरेंज, येलो और रेड वाले कलर्स आते हैं वो हमारे वार्म कलर्स कहलाते हैं, और जिधर ब्लू आता है, पर्पल आता है, वो हमारे कूल कलर्स कहलाते हैं. ठीक है, वार्म, फॉर एग्जांपल जैसे सन होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है, ब्लड होता है. ठीक है, तो ये सारे हमारे वार्म कलर्स होते हैं, और जैसे समुद्र होता है, एयर होती है, आसमान होता है, ये सब हमारा कूलनेस को दिखाते हैं, ठंडी चीज़ों को दिखाते हैं, तो इसलिए वो हमारे कूल कलर्स होते हैं. तो हमारे पास वार्म कलर्स हैं और हमारे पास कूल कलर्स हैं. तो आधे कलर्स जो होते हैं वो वार्म कलर्स होते हैं कलर व्हील के, और आधे कलर्स जो होते हैं कलर व्हील के वो कूल कलर्स होते हैं. यहाँ पे आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ मिल गई कलर व्हील को यूज़ करने की. जब आप वार्म कलर के कपड़े पहनते हो, जैसे कि अगर आप येलो कलर के कपड़े पहन रहे हो, आप ऑरेंज कलर का कपड़ा पहन रहे हो, आप रेड पहन रहे हो, तो आपका जो मेकअप होगा, जब आप वार्म कलर के कपड़े पहनोगे तो आपका मेकअप भी वार्म टोन में होगा. आप अगर येलो कलर के कपड़े पहन रहे हो तो आपकी लिपस्टिक जो होगी वो थोड़ी सी ऑरेंजिश होगी या थोड़ी सी रेडिश होगी, आपकी लिपस्टिक पिंक नहीं होगी, क्योंकि पिंक जो होता है वो कूल में आ जाता है. ठीक है, और सिमिलरली अगर आप कुछ ब्लू कलर का ड्रेस पहन रहे हो, तो अगर आप ब्लू कलर का ड्रेस पहन रहे हो तो आपके मन में कन्फ्यूजन होगा कि मैं कैसा मेकअप करूँ. ऑब्वियस बात है, ब्लू कलर का मेकअप थोड़ा डार्क हो जाएगा या ब्लू कलर की लिपस्टिक आप नहीं लगा सकते, तो उस टाइम में अगर आपका ड्रेस कलर ब्लू है तो आप ऑब्वियस बात है आपका जो ड्रेस कलर है वो कूल टोन का है, तो आप जो मेकअप करोगे वो आपका कूल टोन का मेकअप होगा. कूल टोन के मेकअप के लिए हम पिंक कलर चूज़ करते हैं एज अ नेचुरल कलर, और वार्म टोन के मेकअप के लिए हम ऑरेंज कलर चूज़ करते हैं एज अ नेचुरल कलर. सो अगर आप कूल टोन का मेकअप करें तो आप पिंक कलर की लिपस्टिक लगाओगे, अगर आपका जो ड्रेस है वो कूल टोन का है तो आप पिंक कलर की लिपस्टिक लगाओगे, और अगर आपका जो ड्रेस है वो वार्म टोन का है तो आप ऑरेंजिश लिपस्टिक लगाओगे जिसमें थोड़ा सा ऑरेंज टिंट हो. ओके, सो कूल टोन के लिए हम पिंक कलर नेचुरल होता है, और वार्म टोन के लिए
ऑरेंज कलर नेचुरल होता है। अलावा अगर आप ब्लू कलर की ड्रेस पहन रहे हो तो आप ब्लू कलर का आई मेकअप कर सकते हो, अगर आप ऑरेंज कलर की ड्रेस पहन रहे हो तो ऑरेंज कलर का आई मेकअप कर सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से आप समझ सकते हो कि कूल टोन के साथ कौन से कलर्स जाते हैं, वार्म टोन के साथ कौन से कलर्स जाते हैं। इसके अलावा जो हमारा कलर व्हील होता है उसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस भी होते हैं, जैसे कि जो कलर्स प्लेस्ड हैं कलर व्हील में उनको हम अलग अलग कॉम्बिनेशंस में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन होता है कलर व्हील में वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, ठीक है। जो कलर व्हील होता है वो एक व्हील फॉर्म में होता है, तो कुछ कलर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, जैसे कि रेड और ग्रीन। रेड और ग्रीन हमेशा कलर व्हील में एक दूसरे के अपोजिट होंगे, जैसे कि ऑरेंज और ब्लू। ऑरेंज और ब्लू कलर व्हील में हमेशा एक दूसरे के आमने सामने आएंगे, एकदम अपोजिट होंगे। और येलो और वॉयलेट ये भी हमेशा अपोजिट होंगे। तो ये जो कलर कॉम्बिनेशंस होते हैं जैसे कि रेड और ग्रीन, ये हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं। रेड ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री है, ग्रीन रेड का कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक। येलो और वॉयलेट ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं, और ऑरेंज और ब्लू ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं। तो इन कॉम्बिनेशन में भी हम अपने कलर्स को यूज़ कर सकते हैं। इन कॉम्बिनेशन में हम अपने ड्रेसेस पहन सकते हैं, इन कॉम्बिनेशन में हम अपना मेकअप कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कलर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो थोड़ा सा बोल्ड होता है, लाइक दूर से ही विजिबल होता है, ठीक है। तो अगर आप ग्रीन कलर की ड्रेस पहन रहे हो तो आप रेड कलर की लिपस्टिक लगा सकते हो, आपका जो लुक है वो बहुत बोल्ड दिखेगा, ठीक है। जैसे कि ब्राइड्स होती हैं वो रेड लहंगे पे ग्रीन कलर की ज्वेलरी पहनती हैं, क्यों? क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन होता है। और जब आप एक कॉम्बिनेशन को फॉलो करते हो, एक थ्योरी को फॉलो करते हो, तो आपका जो लुक है वो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। इसीलिए रेड कलर के लहंगे पे ग्रीन कलर की ज्वेलरी काफ़ी अच्छी लगती है। सिमिलरली अगर आप ऑरेंज कलर की ड्रेस पहन रहे हो तो आप वॉयलेट थीम में मेकअप कर सकते हो, वॉयलेट टोन में मेकअप कर सकते हो। अगर आप ब्लू कलर की ड्रेस पहन रहे हो तो आप ऑरेंज टिंट की लिपस्टिक लगा सकते हो, आपका जो लुक है वो काफ़ी अच्छा दिखेगा और बोल्ड दिखेगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट कॉम्बिनेशन होता है कॉम्प्लीमेंट्री, जिसमें जो कलर्स होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। दूसरा जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है एनालॉगस। एनालॉगस स्कीम में जो हम कलर्स यूज़ करते हैं वो हम एक दूसरे के अगल बगल के कलर्स यूज़ करते हैं, एडजेसेंट यूज़ करते हैं कलर्स। तो जब हम एडजेसेंट कलर्स यूज़ करते हैं तो जो लुक आता है वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही सीरीन लुक आता है, ठीक है, बहुत सूदिंग लुक आता है। तो उस टाइम हम अगर हमें बहुत ज़्यादा बोल्ड नहीं दिखना है तो हम एनालॉगस स्कीम चूज़ कर सकते हैं। और हमारी थर्ड स्कीम जो होती है वो मोनोक्रोमैटिक होती है। मोनोक्रोमैटिक मतलब सिंगल कलर, मोनो मतलब वन और क्रोमा मतलब सिंगल। तो जब हम सिंगल कलर्स के अलग अलग शेड्स यूज़ करते हैं तो वो हमारा मोनोक्रोमैटिक हो जाता है। जैसे कि अगर हम पिंक यूज़ कर रहे हैं, पिंक के साथ डार्क पिंक यूज़ कर रहे हैं, लाइट पिंक यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारा कॉम्बिनेशन जो होगा वो मोनोक्रोमैटिक होगा, ठीक है। तो ये तीन कॉम्बिनेशंस जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, एनालॉगस और मोनोक्रोमैटिक। इसके अलावा भी कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं बट आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन आप ज़रूर याद रखना। कॉम्बिनेशन में हम जो कलर्स यूज़ करते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन हम और भी जगह यूज़ करते हैं। लास्ट थिंग जो मैं आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो है अबाउट टिंट, टोन एंड शेड्स। सो जो कलर्स होते हैं, जो 12 कलर्स हमने बनाए हैं अभी कलर व्हील में, सिर्फ वही कलर्स तो हम यूज़ नहीं करेंगे, उन कलर्स के लाइटर फॉर्म्स, डार्कर फॉर्म्स भी हम यूज़ करेंगे। सो उसी चीज़ को हम बोलते हैं टिंट, टोन और शेड। जब हम किसी कलर में, जो हमने जो कलर व्हील में जो कलर्स बनाए हैं, अगर उसमें से किसी भी कलर में हम थोड़ा सा वाइट ऐड करते हैं तो वो कलर थोड़ा सा लाइटन हो जाता है, थोड़ा सा उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, तो वो उस कलर का टिंट हो जाता है। जब उसमें हम ब्लैक ऐड करते हैं तो वो थोड़ा सा डार्क हो जाता है, तो वो उसका शेड कहलाता है। और जब हम उसमें ग्रे ऐड करते हैं तो थोड़ा सा अलग फॉर्म में चला जाता है, जिसको हम टोन बोलते हैं, ठीक है। तो एक कलर से हम बहुत सारे कलर्स बना सकते हैं। हमारे पास ऑलरेडी 12 कलर्स हैं कलर व्हील के, उसमें हम वाइट, ब्लैक और ग्रे मिक्स करके और भी बहुत सारे कलर्स बना सकते हैं, जिनको हम उनके टिंट, टोन, शेड्स बोलते हैं। और जब यही टिंट, टोन, शेड्स एक साथ यूज़ होते हैं तो एक मोनोक्रोमैटिक स्कीम क्रिएट होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कलर व्हील में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। अगर आप इन सारी चीज़ों को समझ जाते हो तो आप खुद के कलर्स बना सकते हो,
आपके पास भले ही वो कलर ना हो, लेकिन अगर आपके पास दूसरे कलर्स हैं तो उनको मिक्स करके आप कोई नया कलर बना सकते हो, कोई नया शेडो बना सकते हो, कोई नई लिपस्टिक बना सकते हो। आप अपने आप टेंट टोन और शेड्स का फॉर्मूला यूज़ करके अपने फाउंडेशन को लाइटन कर सकते हो, डार्कन कर सकते हो। अगर आपके पास आपका फाउंडेशन का एग्जैक्ट शेड नहीं है तो आप फाउंडेशन मिक्स करके अपना एग्जैक्ट शेड बना सकते हो, ठीक है। तो अगर आप कलर थ्योरी को समझते हो तो आपका बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है, आपको आपका सब कुछ परफेक्ट होगा, आपका मेकअप जो होगा वो बिल्कुल ही परफेक्ट होगा एंड सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगी। इसलिए यही सारी चीज़ें जो हैं वो कलर व्हील में होती हैं। ये वाला जो सेशन था ये कम्प्लीटली थ्योरी बेस्ड था। नेक्स्ट जो सेशन होगा हमारा कलर व्हील के ऊपर, वो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी और मैं आपको और अच्छे से बताऊंगी कि कलर व्हील जो है वो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो एंड अबाउट कलर व्हील। अगर आपको कोई भी चीज़ वीडियो में ना समझ में आई हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, आई एम ऑलवेज देयर टू रिप्लाई टू योर कमेंट्स। एंड इफ़ यू वांट यू कैन मेक योर ओन कलर व्हील्स एंड डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, आई विल डेफिनेटली लव टू सी देम एंड रिप्लाई। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।